हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आरआरबी पीओ मेंस में हिंदी चूज करनी है या फिर इंग्लिश। इसके लिए सबसे पहले आप तीन तीन मॉक्स लगाकर देख लो, तीन हिंदी के, तीन इंग्लिश के, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। सो उस हिसाब से आप फर्दर उसी सब्जेक्ट में आगे प्रैक्टिस करो और एग्जाम में भी उसी सब्जेक्ट को चूज करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी हुई होती है बट एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कभी हिंदी पे स्विच करते हैं और कभी इंग्लिश पे। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अब पूरा साल हमने इंग्लिश में प्रिपरेशन करी होती है, आईबीपीएस के जो अदर एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, सिर्फ आरआरबी को छोड़कर बाकी सारे एग्जाम एसबीआई, आरबीआई, सभी में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो वहां पे हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं और हिंदी की प्रिपरेशन तब भी करते हैं जिस टाइम आरआरबी का एग्जाम आता है और अगर हमें आरआरबी में हिंदी चूज करनी हो तो। अदरवाइज हम हमेशा इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करते हैं। तो कईयों को ऐसा लगता है कि हमारी इंग्लिश वीक है, हमें हिंदी चूज कर लेनी चाहिए, क्या पता हमारा हिंदी में अच्छा स्कोर हो जाए। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि नॉर्मल हिंदी जो हम यूज करते हैं बोलने के लिए वैसी हिंदी नहीं आती है एग्जाम में। अच्छा खासा लेवल होता है हिंदी का भी। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि हम बाकी चार सब्जेक्ट की मेंस में प्रिपरेशन कर लेंगे, हिंदी हम प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, वहीं पे जाके डायरेक्ट एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपके लिए दिक्कत होगी क्योंकि वहां पे नॉर्मल हिंदी नहीं होती है। चाहे आपने हिंदी चूज करनी है, आपको हिंदी के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप पहले तीन तीन मॉक्स लगाकर देख लो, फिर फर्दर आपको जो भी सब्जेक्ट चूज करना है आप उस हिसाब से चूज करना और आगे आप उसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना। अब मेरा ऐसा था कि मैंने पहले तो हिंदी चूज करी थी, अब वही बात आ गई कि पूरा साल तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं और जब आरआरबी का एग्जाम आता है तब जाके हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मैंने हिंदी की प्रिपरेशन भी नहीं करी थी, काफी लाइट लिया था हिंदी को कि चलो हिंदी ही है, वहीं जाके नॉर्मल सा कॉम्प्रिहेंशन होगा, सब कुछ एरर्स वगैरह नॉर्मल सी होंगी तो इजिली वहां पे कर लूंगी। तो जब एग्जाम देखा तो वहां जाके बिल्कुल हर एक चीज ऑपोजिट थी और नेक्स्ट ईयर फिर मैंने इंग्लिश चूज करी थी क्योंकि ऐसा होता है कि जब पूरा साल इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एकदम पूरा पॉइंट पे आके स्विच करना इंग्लिश टू हिंदी तो थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगर किसी ने पहले से ही माइंड सेट किया है कि हमने आरआरबी में ही एग्जाम क्रैक करना है, हमने हिंदी चूज करनी है, तो उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करो। मैंने बहुत पहले ही हिंदी की पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी थी कि अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो आप हिंदी की पीडीएफ से प्रिपरेशन कर लो। उसमें पूरी बुक की शेयर की हुई थी, सो जितने भी हिंदी की पीडीएफ देखी होगी उन्होंने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो उनका नॉर्मल सी बात है आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप हिंदी चूज करना चाहते हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, लाइटली लेकर मत चलना। और अगर आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है पहले से ही थोड़ी बहुत, चाहे 20-30%, चाहे जितनी मर्जी प्रिपरेशन की हो, हुई तो होगी ना, तो उस हिसाब से आप देख लो। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो मॉक टेस्ट लगा के आपको पता लग जाएगा। एक और बात कि एग्जाम में जाकर काफी स्टूडेंट स्विच करते हैं कि अगर हिंदी इजी हुई तो हम हिंदी में आगे एग्जाम दे लेंगे, अगर इंग्लिश इजी हुई तो हम इंग्लिश में एग्जाम दे लेंगे। मान लो अब आपने हिंदी में प्रिपरेशन करी हुई है तो एग्जाम में जाके सबसे पहले हिंदी का सेक्शन देख लेना, जैसे ही आप चेकबॉक्स को टिक करोगे तो आपको पूरा हिंदी का सेक्शन मिल जाएगा। आप एक बार गो थ्रू हो जाना कि हाँ किस तरीके का पूरा सेक्शन आया है। अगर आप चाहते हो कि हमने इंग्लिश को भी एक बार चेक करना है कि क्या पता इंग्लिश इससे भी ज्यादा इजी आई हो, तो आप इंग्लिश पे स्विच कर सकते हो। वहां पे आपको इंग्लिश के चेकबॉक्स पे टिक लगाना है, देन आपको पूरा इंग्लिश का सब्जेक्ट मिल जाएगा देखने को। बट इस बीच आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके फटाफट से आपको सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेने हैं कि कौन सा सेक्शन इजी है और उस हिसाब से आप जिसमें भी आगे एग्जाम देना चाहते हो उसी सब्जेक्ट को चूज करके आगे एग्जाम देना। एक और चीज कि अगर आप सोचो कि हम 20 क्वेश्चन हिंदी के कर देंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कर देंगे और हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप दोनों सब्जेक्ट के 10-10, 20-20 क्वेश्चन कर दो। जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करते हो तो जो आपका पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके सारे के सारे क्वेश्चन जीरो हो जाते हैं। मीन्स अगर आपने हिंदी के 10 क्वेश्चन किए हैं और आपको लग रहा है कि हिंदी नहीं सोल्व हो पा रही है, मुझे अब इंग्लिश आगे चूज करनी है, और आप इंग्लिश पे स्विच कर रहे हो, तो वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन जीरो बन जाएंगे। वहां पे आपकी सारी अटेम्प्टेशन जीरो मानी जाएगी हिंदी में, और जब आप इंग्लिश में स्टार्ट करोगे तो आपकी इंग्लिश की अटेम्प्टेशन ही काउंट होगी कि हाँ आपने 20 क्वेश्चन करे हैं या 25 क्वेश्चन करे हैं। एक पॉइंट पे आके अगर आप फिर से आप हिंदी पे स्विच करोगे तो आपके जो 25 के 25 इंग्लिश के क्वेश्चन है वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे।
सो प्लीज ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले तो आप अभी से डिसाइड कर लो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करना है या फिर हिंदी सब्जेक्ट चूज करना है। आप तीन तीन मॉक्स लगाकर देख लो, आपका जिसमें अच्छा स्कोर हो रहा है आप फर्दर उसी सब्जेक्ट की आगे प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज कि अगर आपको फिर भी डाउट है एग्जाम में जाके कि नहीं मैंने हिंदी में प्रिपरेशन करी थी, हिंदी बहुत टफ लग रही है, सिर्फ मुझे 10 से 12 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, मैंने एक बार इंग्लिश का सेक्शन भी देखना है, तो आप उसी टाइम इंग्लिश पे स्विच करके इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हो। देन उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट आप ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उसी को ही चूज करना। बार बार स्विच मत करते रहना, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने इसलिए बताया है कि कई सोचते हैं हिंदी में 20 कर दिए, 10 इंग्लिश में कर दिए तो हमारे 30 क्वेश्चन काउंट होंगे। आप लास्ट में जो भी अटेम्प्ट करोगे उसी के क्वेश्चन आपके काउंट होंगे, ना कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के। सो मेक श्योर कि आप एक बार गो थ्रू कर लो दोनों सेक्शन को, देन आपको जिस भी सब्जेक्ट में स्विच करना है आप कर सकते हो। बट एक ही सब्जेक्ट रखना, हिंदी इंग्लिश मत करते रहना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बट मैं आप सबको यही बोलूंगी कि प्लीज आप घर से ही माइंडसेट करके चलना, मीन्स आप अभी से ही माइंडसेट करके चलो कि आपको हिंदी चूज करनी है या फिर इंग्लिश चूज करनी है। सो फर्दर उस तरीके से ही आगे प्रिपरेशन करना। आई होप कि अब सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा और एग्जाम का भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे स्विच करना है। एक ही सब्जेक्ट को रखना, स्विच करते रहे तो आपकी अटेम्प्टेशन जिस सब्जेक्ट से स्विच करोगे तो पहले वाले सब्जेक्ट की अटेम्प्टेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस बीच टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास अदर 4 सब्जेक्ट भी होंगे। सो उस तरीके से ही पूरा माइंडसेट करके जाना। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।